मुख्तलिफ कनेक्टर बने हुए हैं। सबसे पहले हमने कनेक्टर मैच करना है जो इसके मुताबिक हो, तो इसके साथ मिलता जुलता ये वाला कनेक्टर है। एमएस मार्केट में खुशामदीद। आज की वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं बैटरी बूस्टर का। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये बैटरी बूस्टर हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम इसकी बॉक्स पर डिटेल देख लेते हैं। हमारे पास उन्होंने डिटेल दी हुई है सैमसंग स्पोर्ट जो करता है, सैमसंग चाइना के मोबाइल हो गए, सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, हवाई हो गया, और मतलब ओप्पो, वीवो, ZTE, HTC, एसर, एलई टीवी, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स को सपोर्ट करता है। और ये कुछ इसकी डिटेल लिखी हुई है, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग में ये हमारे पास एक इसकी ये एंड्रॉयड केबल आ जाती है, ठीक है। ये इसके साथ लगाने के लिए, सप्लाई वगैरह के साथ लगाने के लिए केबल आ जाती है, ठीक है। और ये बैटरी बूस्टर आ जाता है। ये बेसिकली नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं है, ये जो प्रोफेशनल जो मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह करते हैं उनके लिए चीज़ है ये। तो इस पे हम बैटरी वगैरह लगाते हैं और चेक करते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होती है, एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई पावर केबल लगाएं, ठीक है, ये यूएसबी केबल लगाएं तो डायरेक्ट आप इसको चला सकते हैं। और ये यहाँ पे अगर आप इसको एंड्रॉयड केबल कोई भी किसी भी चार्जर शार्जर के साथ लगा कर डायरेक्ट इसको चला सकते हैं। बाकी दूसरे ऑप्शन आप सप्लाई के साथ चला सकते हैं। हम इसके सप्लाई के साथ चलाएंगे क्योंकि हमने करंट वगैरह चेक करना है इसका, कि ये बैटरी को कितना करंट देता है और इसका क्या हिसाब किताब है। तो मैं सप्लाई के साथ इसको लगाता हूँ। बाकी अगर आपके पास सप्लाई, मोस्टली जो रिपेयरिंग वाले होते हैं उनके पास सप्लाई तो मौजूद ही होती है, पर वैसे अगर आपके पास सप्लाई मौजूद ना हो तो आप डायरेक्ट इसको चार्जर वगैरह के साथ लगा सकते हैं। अच्छा जी, हम इस पे बैटरी वगैरह कनेक्ट करते हैं। तो अभी मेरे पास ये सोनी की कोई बैटरी है, ये पता नहीं कौन सा सेट है सोनी का, तो इसकी कोई बैटरी है जिसको हम लगा रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ कनेक्टर बने हुए हैं। सबसे पहले हमने कनेक्टर मैच करना है जो इसके मुताबिक हो, तो इसके साथ मिलता जुलता ये वाला कनेक्टर है, तो इस पे लगाते हैं। ये देख, ये ब्लू लाइट हुई है तो ये भी चार्ज करना शुरू कर दिया इसने बैटरी को। अब यहाँ पे ये एम्पेयर शो कर रहा है कि ये इतना एम्पेयर बैटरी ले रही है, 1 एम्पेयर तकरीबन ले रही है, और सप्लाई भी हमारा करंट दे रही है। सप्लाई कितने एम्पेयर ले, बैटरी कितने एम्पेयर ले रही है। यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमारे पास मज़ीद बैटरी आ जाती है। अच्छा, ये अब हमारे पास सैमसंग नोट 4 की बैटरी है, इसको लगा के देखते हैं कि इसका क्या पता है। तो इसका जो कनेक्टर है, तो एक तो इसमें मैचिंग वाला कनेक्टर करना सबसे मेन इशू है, कि आपने एक बार कनेक्टर मैच कर लिया फिर आपके लिए बैटरी मैच करना आसान हो जाती है। तो ये मुझे कनेक्टर लग रहा है इसका सैमसंग, क्योंकि ये तकरीबन पतला है इसकी स्ट्रिप है और ये भी पतली स्ट्रिप है। यहाँ पे इसको लगाते हैं। ये देखें, अच्छा अभी ये मैंने इसको बैटरी को उल्टा लगाया है तब भी ये चार्ज करेगा। अगर मैं बैटरी को इस तरह लगाता हूँ, अभी ये मैंने इसको कनेक्टर को अटैच किया हुआ तो ये चार्जिंग शुरू कर दी इसने, ठीक है। अब मैं अगर कनेक्टर उतार के इस तरह लगाता हूँ, ये अभी मैंने कनेक्टर उतार के इस तरह बैटरी अटैच कर दी है, तो ये देखें ब्लू लाइट जा रही है तब भी बैटरी ये चार्ज कर रहा है। मतलब इसमें प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है। अगर आपने उल्टी बैटरी लगाई है या सीधी बैटरी लगाई है, बस कनेक्टर मैच करना चाहिए तो आपकी बैटरी चार्जिंग शुरू कर देगी। इसी तरह आप इसमें मुख्तलिफ बैटरी अटैच कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉडल इस पर अटैच हो सकते हैं। और मतलब इसमें एज अ पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी बैटरी लगा के इसको ईजिली कर सकते हैं। बड़ी एक अच्छी कमाल की चीज़ है, क्योंकि अक्सर जो ये स्ट्रिप वाली बैटरी होती हैं ये डेड हो जाए, इनको चार्ज करना बहुत मसला होता है। मोबाइल पर अक्सर ये करंट नहीं उठाती, तो यहाँ पर आप बैटरी ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि बैटरी में इशू है कि मोबाइल में इशू है। इसमें आपकी बैटरी शॉर्ट होने का कोई ख़दशा नहीं होता, इसमें सारे रजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, और इन बैटरी अगर आपके फुल हो जाए तो ये आपको शो भी कर देगा कि आपकी बैटरी की चार्जिंग फुल हो गई है। कंप्लीट इसमें इन्होंने डिस्प्ले दिया हुआ है इसका, ठीक है।
अगर आप ये बैटरी बूस्टर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी शॉप से परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे दरा स्टोर से ही परचेज़ कर सकते हैं और उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।